नमस्कार, एस्ट्रो फार्मेसी बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष आज ट्यूटोरियल के 9th वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे हस्तरेखा में चंद्र पर्वत का क्या महत्व है और चंद्र पर्वत हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में 6 चंद्र पर्वत का हमारे जीवन में प्रभाव किस किस क्षेत्र में पड़ता है और कैसा कैसा हमें जीवन में अंतर दिखता है हमारे चंद्र पर्वत के कारण, उन 6 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। जिसमें प्रथम पॉइंट होगा, चंद्र पर्वत पर यदि चंद्र आपका दूषित है, कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो चंद्रमा को दूषित करते हैं जिसके कारण हमें ओवर थिंकिंग की दिक्कत आती है, ओवर थिंकिंग नेचर हो जाता है हमारा, हमें सोचने विचारने की ज़्यादा आदत पड़ जाती है, हमारे मन में चंचलता आ जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्र पर्वत होता है मन का कारक, हमारे शरीर में चंद्रमा मन में बैठा होता है और यदि चंद्रमा दूषित है तो हमारा मन दूषित हो जाएगा, जिसके कारण हमारे सारे डिसीजंस गलत होंगे, हमें डिसीजंस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, सोचा विचार ही बहुत ज़्यादा करेंगे। तो पहली बात करेंगे ओवर थिंकिंग नेचर के बारे में। दूसरा, चंद्रमा के कारण क्या देखा जाता है, चंद्रमा देव बताता है कि आपको जन्म स्थान पर ग्रोथ मिलेगी या जन्म स्थान से दूर ग्रोथ मिलेगी, तो उसका साइन देखेंगे कि क्या साइन है जो चंद्रमा जन्म स्थान से दूर ग्रोथ दिलवाएगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि बाहरी लोगों से, तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि हमें कहते हैं आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलेगी या फिर बिफोर मैरिज ही हमारे जीवन में सफलता मिलना चालू हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा ही बताता है हमारे जीवन में पत्नी के आने के बाद या फिर बाहरी व्यक्ति के आने के बाद हमारे जीवन बदलाव आ जाता है। आपने देखा होगा कई भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी शादी होने के बाद उनका जीवन रंग से राजा बन जाते हैं, वो तो वैसी स्थितियाँ भी देखी जाती हैं और अक्सर कर लोगों के हाथ में देखी जाती है, और यदि वो अपने शादी में विलंब कर रहे हैं तो उन्हें आवश्यक है शादी जल्दी करें। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, विदेश में जॉब के और सेटलमेंट के योग हैं या नहीं है। पांचवा पॉइंट जानेंगे कि बाहरी लोगों से हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा और अपॉर्चुनिटी आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ साइन ऐसे होते हैं जो कि बताते हैं चंद्रमा पर यदि ये साइन है तो आप समझ जाइए आपको बाहरी लोगों के आगमन से जीवन में वृद्धि होगी। और छठवा व आखिरी पॉइंट होगा हमारा प्रॉपर्टी साइन, यदि चंद्रमा पर कुछ विशेष साइन होते हैं जो कि ये बताते हैं, प्रॉपर्टी तो हर किसी के हाथ में बनती है, कि वह व्यक्ति जन्म स्थान से दूर और विदेश में प्रॉपर्टी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई दे रही होंगी, नंबर पर जाके आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। शुरुआत के 50 लोगों के लिए अभी 501 रुपये चार्जेस रहेंगे, उसके बाद चार्जेस जो नॉर्मल 1100 रुपीज़ हैं वो चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ट्यूटोरियल की अपकमिंग वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप भी अपने जीवन में सफल हस्तरेखा शास्त्री बन सकें, इसलिए वीडियोस को पढ़कर सीखकर एक सफलता पाएं उस क्षेत्र में। तो वीडियो को प्रारंभ करने के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट बात चालू करता हूं, आपके हाथ में ओवर थिंकिंग नेचर के क्या साइन होते हैं। यदि आप देखेंगे आपके हाथ में आपके चंद्र पर्वत पर, ये क्षेत्र होता है चंद्रमा का क्षेत्र। ठीक है, यदि चंद्र पर्वत पर आपको क्रॉस का साइन देखने को मिलता है, जिस पे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, यदि ये क्रॉस का साइन आपको देखने को मिलता है, केवल क्रॉस का साइन, ये एक्स्ट्रा तो ये क्या है, स्क्वायर का साइन होता है। ठीक है, ये केवल क्रॉस का साइन है यदि आपको देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि मनुष्य के अंदर ओवर थिंकिंग नेचर रहेगा, इंसान सोचा विचार ही बहुत करता है, ऐसी स्थिति में इसे कहते हैं चंद्रमा का दूषित होना। यदि ये साइन है तो इंसान ओवर थिंकिंग नेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, सोचा विचार ही बहुत ज़्यादा करेगा, ऐसे लोगों के अंदर थिंकिंग प्रोसेस में लेट लतीफ होने की आदत बहुत रहेगी। ठीक है, साथ ही ऐसे लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, ऐसे लोगों के मन में चंचलता बहुत आती है, वो कहते हैं ना नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आना, यदि कोई भी आप काम को करने जा रहे हैं तो पहले नेगेटिव थॉट्स भर जाना दिमाग में, ऐसी स्थिति जब चंद्रमा पर क्रॉस का साइन होता है तो देखी जाती है। दूसरे साइन की बात करेंगे हमारे, यदि आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा से देखा जाता है कि आपको जन्म स्थान से दूर ग्रोथ मिलेगी या जन्म स्थान पर ग्रोथ मिलेगी। यदि आपकी भाग्य रेखा आपके चंद्र क्षेत्र से चालू हो रही है, ठीक है, ये होता है चंद्रमा के क्षेत्र से यदि आपकी भाग्य रेखा निकल कर जा रही है और आपकी ऊपर तक जा रही है शनि पर्वत तक, ऐसी स्थिति में आप श्योर कर लीजिए यदि आप अपने जन्म स्थान पर ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको समृद्धि कभी नहीं मिलेगी, आपके जीवन में रुकावटें आती रहेंगी। जैसे ही आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे, ये मान के चलिए 100 किलोमीटर भी जन्म स्थान से दूर जाते हैं, आपको रास्ते दिखने चालू हो जाएंगे, जीवन में समृद्धि और वृद्धि आना चालू हो जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा से रेखा चालू होती है भाग्य रेखा, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इंसान को जन्म स्थान से दूर के लोगों से फायदा है, भारी लोगों से ज़्यादा। तीसरी बात करते हैं हम हाथ में आफ्टर मैरिज ग्रोथ लाइन, क्या होती है आफ्टर मैरिज ग्रोथ लाइन, आप यदि देख पाएंगे ये भाग्य रेखा के साथ साथ पैरेलल एक लाइन चल रही है जो कि चंद्र क्षेत्र से चालू हो रही है। ये केवल ऐसा नहीं है कि भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से ही चालू हो, भाग्य रेखा यदि आपकी ये ऐसी इस प्रकार से सीधी भी जा रही है, ठीक है, और कोई रेखा उसी के साथ साथ पैरेलली चंद्र पर्वत से चालू होकर भाग्य रेखा के पैरेलली ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इंसान का
जो उद्धार होता है उसका जो भाग्योदय होता है उसकी शादी के बाद होता है, उसकी पत्नी के आने के बाद होता है। ऐसे लोगों की पत्नी उनके करियर के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है। तो यदि आपके भी हाथ में भाग्य रेखा की, चाहे भाग्य रेखा यहाँ से चालू हो, आधे से चालू हो या फिर स्ट्रेट रहे, यदि उसके समलंब कोई एक और रेखा जो भाग्य चंद्र पर्वत से जा रही हो, भाग्य रेखा जैसी ही देखे और ऊपर की ओर बढ़ रही है, सूर्य की ओर जा रही है या फिर शनि की ओर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान का भाग्योदय शादी के बाद होता है, उसकी पत्नी के आने के बाद उसके जीवन में बदलाव आने चालू हो जाते हैं। चौथी बात करेंगे हम हाथ में विदेश में जॉब और सेटलमेंट के योग। यदि आपका भाग्य रेखा आपकी कहते हैं चंद्रमा की ओर से चालू होकर ऊपर की ओर जा रही है, और साथ ही उसके अगर आपकी चंद्र पर्वत से कोई साइड में से इस प्रकार से आपको रेखा देखने को मिल रही है, इस प्रकार से कोई रेखा आपके चंद्र पर्वत के साइड में से आके आपके भाग्य रेखा को टच करती है, आप सुनिश्चित कर लीजिए कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक, ऐसा जातक जन्म स्थान से दूर जाएगा। उसके विदेश यात्रा के योग हैं, विदेश में सेटलमेंट के चांसेस हैं। ऐसे लोगों को नौकरी के कारण, जॉब के कारण या फिर व्यापार के कारण विदेश में जाना निश्चित ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि ऐसे लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में अगर ये रेखा है, तो समझ जाइए उसे विदेश में समृद्धि ग्रोथ मिलेगी, तो वो विदेश के लिए प्रयास करना चालू कर दे, उसे विदेश में जाना निश्चित ही तय है। अगली बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, कि बाहरी लोगों से फायदे के क्या चिन्ह होते हैं हाथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आपके चंद्र पर्वत पर, यदि आप ये देख रहे हैं नीचे का क्षेत्र चंद्र पर्वत की ओर, चंद्र पर्वत से ऊपर की ओर ऐसे छोटी छोटी रेखाएँ आपको देखने को मिले, ये ऊपर की ओर ऐसे छोटी छोटी रेखाएं देखने को मिलेंगी, तो आप समझ जाइएगा आपके जीवन में बाहरी लोग आपको ज़्यादा फायदा दिलवाएंगे एज़ कम्पेयर टू घर के लोगों से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि इंसान घर के व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है, अगर उसकी भाग्य रेखा इस प्रकार से अंदर की ओर मुड़ी हो, तो ऐसे स्थिति में तो आपका सही है, परंतु यदि आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से चालू हो रही है, साथ ही उसी के साथ साथ छोटी छोटी इस प्रकार से ऊपर की ओर जाने वाली कई रेखाएं बन रही है, समझ जाइएगा इंसान को बाहरी लोगों से फायदा होता है और नई अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं ऐसे लोग, उनके जीवन में कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं जन्म स्थान से दूर जाने के बाद। छठवें पॉइंट की बात करें, छठवां पॉइंट है कि आपके हाथ में जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी बनाने के क्या संकेत हैं। आपने देखा हो कई लोग गांव और शहरों से निकलकर बड़े शहरों में जाते हैं और अपने खुद का एक वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, तो उसका क्या साइन है। यदि आपके चंद्र पर्वत पर कोई स्क्वायर का, कोई ट्राइंगल का, जिस प्रकार से मैंने बताया है स्क्वायर का ट्राइंगल का साइन बनना है, तो आप सुनिश्चित हो जाइए आप अपने जन्म स्थान से दूर जा देश में, विदेश में प्रॉपर्टी बनाएंगे निश्चित ही। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग अगर केवल ये स्क्वायर का साइन हो, तो क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इंसान को देखा जाता है कि इंसान जन्म स्थान से दूर देश विदेश में अपनी खुद की प्रॉपर्टी संपत्ति का निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से अगर क्रॉस से मिलकर ऐसा बनाए, तो वो फिश का सिंबल माना जाता है, वो एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। साथ ही अब हम बात करते हैं, ये चंद्र पर्वत यदि दूषित है, खराब है, क्योंकि विशेष तौर से अगर बड़ा सा क्रॉस का साइन या फिर छोटा सा क्रॉस का साइन या फिर इस पर कोई तिल देखा जाता है, ठीक है, तो इस स्थिति में चंद्रमा को दूषित माना जाता है, इंसान की डिसीजन टेकिंग पावर लूज हो जाती है। ऐसी स्थिति में इंसान में मन में चंचलता बहुत रहती है, मन में इंसान के डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं, अपने डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग उनकी वीक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है उन्हें अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सर्वप्रथम तो वो अपने रात में सोते समय एक पानी का जग भर के अपने सरहाने रखना चालू करें और अगली सुबह उस पानी को पौधे में डाल दिया करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो अपने सीधे हैं, पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ में और महिलाएं हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में एक चांदी का कड़ा धारण करें, पूर्णता गोल, जो कि बीच में से ओपन ना हो, ठीक है। ये उपाय करें, उससे उनके चंद्रमा बैलेंस होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत फ्लुएंटली चलेंगी, बहुत अच्छी चलेंगी। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी नॉलेज प्राप्त हो और वो भी जीवन में आगे बढ़ पाएँ, यदि उनके हाथ में ये कमी है तो, ठीक है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, अपने हाथ में ऐसा कौन सा विशेष साइन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार।